ओके लर्नर्स, आज मैं आपको सर्कल एंड लूप टू फाइनल लूप पढ़ाने जा रहा हूं। अभी आप देखेंगे कि आपके पास जो छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, अष्टी लूप है, ये आपने शुरू में जोड़े थे, लेकिन ये बाद में भी जुड़ सकते हैं। आपने सीखा पहले सर्कल और टी लगाना, ये सर्कल टी, और पढ़ा पहले से पढ़ा, फिर आगे टी पढ़ा, ठीक। उसके बाद में आपने सर्कल को इधर घुमा दिया, ये टर सीखा, फिर बाद में आपने टर सीखा। इसके अंदर क्या था, सर्कल लगाया था तो पहले पढ़ा था, टी को बाद में पढ़ा, लेकिन जब टर हो गया तो टी को पहले पढ़ा और आर को बाद में पढ़ा। तो आपने अभी तक ये सीखा कि सर्कल लगता है तो सबसे पहले बोला जाता है, लेकिन हुक लगता है तो वो जिस पर लगता है वो लास्ट में बोला जाता है। जैसे टी पर लगा है तो आर बाद में बोला गया, टर, ठीक। फिर आपने ये सीखा कि सर्कल को आपने इधर लगाना शुरू कर दिया, हालांकि सर्कल टू दी राइट साइड लगता है। जो देखने वाला होता है उसके दो साइड एक सर्कल, एक स्टॉक को दिखाई देते हैं, राइट साइड ये और लेफ्ट साइड। तो हम सर्कल को इस साइड, इस तरफ लगाते हैं, लेकिन अगर हमने इस सर्कल को इधर लगा दिया तो हमारा पर्पज ये था कि पहले से को पढ़ा, एस को पढ़ा, फिर टे को पढ़ा, फिर हमने रे को पढ़ा। इसका मतलब है सर्कल पहले लगा तो हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर उसके बाद में टर, टे और रे पढ़ा, ठीक। इसी प्रकार आपके ये बड़े सर्कल भी लग गए थे, जैसे ये लाइन है, छोटा सर्कल हो गया, सेट हो गया, इधर घुमा दिया तो सेटर हो गया। अगर आपने बड़ा सर्कल बना दिया तो स्वेटर हो गया, ये स्वे है। और आपने एसटी लूप लगा दिया तो ये स्टेटर हो गया। अब इसको लास्ट में जब हम इधर लगाया है तो एक स्ट्रोक के लास्ट में लगा कर देख देते हैं, ये डेज हो गया, ये डेजिज हो गया, ये से और जे की आवाज देगा जिज सिज की, और ये टेस्ट हो गया, ये एसटी की आवाज देता है। यहां हमने स्टेप पहले लगाया था तो ये बाद में, फिर हमने टेस्टर एसटीआर लूप भी लगा दिया, ठीक। इसी प्रकार हमने ये स्टार लूप पहले नहीं लगाया क्योंकि एसटीआर लूप पहले नहीं लगता है, क्योंकि एसटीआर के अंदर हमने स्टार ये लिख दिया, सर्कल और टर ये आ गया स्टर, तो एसटीआर लूप के बजाय हम सर्कल और टर से स्टार बनाते हैं। ये तो आपने सर्कलों की शुरू में लगने की कंडीशन देखी के आर हुक की तरफ और या दाई तरफ लगते हैं। अभी लास्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि लास्ट के अंदर हुक लगता है या एन का हुक लगता है सीधे स्टॉक में, और इधर लगता है वो एफ का हुक लगता है सीधे स्टॉक में, और कर्व के अंदर ऐसे लगता है, और ये एन का हुक है, लेकिन एफ के लिए आपने पूरा लिखा, जैसे फिफ्थ या फाइव, जैसे फिफ्थ लिखना आपने तो फी फे और थे, ये फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया आपका। तो हमने फे के लिए या वे के लिए हमने स्ट्रोक लिखा, एन के लिए कर्व के अंदर हुक लगा दिया, लेकिन दे स्ट्रोक में दोनों साइड ओपन होती है, तो हमने देखने वाला अपनी दाई बाई देखेगा, स्ट्रोक की दाई बाई नहीं गिनना है। हमने बाई तरफ देखा तो एन का हुक लग गया और दाई तरफ देखा तो एफ का हुक लग गया, लेकिन एन का और एन का हुक कर्व के अंदर ही लगता है, ठीक। जब आपने अभी तक मैंने ये रिवाइज किया कि आपने क्या सीखा है अभी तक, अब आप सीखेंगे कि सर्कल आपने ये इधर लगाया था और इधर को आपने हुक लगाया था,
अगर आप जानबूझकर सर्कल को इधर ना लगा करके इधर लगाते हैं तो आपका पर्पज कुछ और है। वो पर्पज ये है कि एन की तरफ आपने लगा दिया है तो आप उसमें एन भी पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपने डांस बनाया है, ये डान है, ये डांस है, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले हमने डी को पढ़ा, फिर एन को पढ़ा, फिर एस को पढ़ा। अभी सर्कल जब शुरू में लगाया था तो हमने पहले सर्कल को पढ़ा, एस को पढ़ा, फिर टी को पढ़ा, फिर रे को पढ़ा। इसका मतलब यह है कि अगर सर्कल शुरू में लगता है, चाहे वो इधर लगे चाहे वो इधर लगे, वो शुरू के अंदर ही पढ़ा जाएगा, और सर्कल लास्ट में भी लगता है तो भी लास्ट में पढ़ा जाएगा। जैसे डांस, तो हमने सह को लास्ट में लगाया है तो लास्ट में ही पढ़ेंगे, लेकिन साइड हमने बाईं तरफ कर दी है, इसका मतलब है हम हूं एन हूं, एन भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया डे, ने और सह। सह को शुरू में लगाया तो शुरू में पढ़ा, लास्ट में लगाया तो सबसे लास्ट में पढ़ना है। अच्छा ठीक है, अभी आप देखेंगे जैसे ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और एसटी लूप थे, शुरू के अंदर आपने लगा लिए और आपने सारे पढ़ लिए, एसटी लूप्स, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, ये सारे आपने शुरू में लगा लिए, साइड चेंज करके लगा दिए इधर आर की तरफ। इसी प्रकार ये सीधे स्ट्रोक में लास्ट में भी लग जाएंगे, जैसे डांस, डांसेज, डांस्ड, ये डी एन एस है, ये डी एन एस है, ये डी एन और स और ज है, ये डी एन और एस टी लूप है या पास्ट टेंस है डांस्ड। आपको पहले ही मैंने बताया था कि एस टी लूप स्ट के लिए भी होता है और पास्ट टेंस भी होता है एक वर्ड का। तो हमने ये तीनों लास्ट में भी लगा दिए, शुरू में भी लगे ये सारे, सटर, स्वेटर, स्टटर, और ये बाद में भी लग गए, जैसे डान, डांस, डांसेज, डांस्ड। सीधे स्टॉक के अंदर आपके पास टू साइड ओपन है, बाईं तरफ और दाईं तरफ। हमने सर्कल को शुरू में भी बाईं तरफ दाईं तरफ लगाया और उसको जैसा भी नियम था पढ़ लिया, तो इसी प्रकार ये लास्ट में भी पढ़ते हैं, लगते हैं। अब देखेंगे यहां कि एडिंग ए सर्कल, स्मॉल सर्कल, स्वा सर्कल एंड एसटी लूप टू ए स्ट्रेट स्टॉक। ये डान था, डांस है, डांसिज है, डांस्ड है, डांस्टर है, डांस्टर। अभी पेन है, पेंस है, एक्सपेंज है, एक्सपेंजिज है, क्योंकि लास्ट सर्कल अगर लास्ट में आता है सिज की आवाज देता है तो ये एक्सपेंजिज है। ग्लांस है, ग्लांस, ग्लान है, ग्लांस है, ग्लांसिज है और ग्लांस्ड है। ये शुरू के अंदर लास्ट में सर्कल भी लग गया, बड़ा सर्कल भी लग गया और एसटी लूप भी लग गया और एसटीआर लूप भी लग जाएगा। इसी प्रकार ये जो शुरू में लगे थे वो लास्ट में भी लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ने भी पढ़ा जाएगा, ने सर्कल से पहले पढ़ा जाएगा, सिज से भी पहले पढ़ा जाएगा, एसटी लूप से भी पहले पढ़ा जाएगा, एसटीआर से भी पहले पढ़ा जाएगा। यूं समझिए जो सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, एसटी लूप, एसटीआर लूप है, ये लास्ट में लगे हैं तो सबसे लास्ट में पढ़े जाएंगे, उनसे पहले एन पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपने इतना देखा, ये समझा के हमने जब लास्ट में सर्कल लगाया है तो हमने डे, ने और से डांस पढ़ा है, डांसेज, डांस्ड, डांसर। ठीक, लेकिन ये बीच में भी आते हैं, ये डांस है, डांस्ड है,
टेंस है, डेंसिटी है, ये डेंस तो आपने ये लिखा डी ई एन एस ई डेंस, डी ई एन एस ई डेंस या डेंस, ठीक ये आपने डेंस पढ़ा। लेकिन अगर इसमें आगे कुछ जुड़ गया, ये तो एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर था, आपने डेंस पढ़ लिया, डांस पढ़ लिया, ये आ लगा दोगे डांस बन जाएगा, पढ़ लिया। लेकिन अगर इसके आगे कोई स्ट्रोक जुड़ गया तो ये सर्कल बीच में आएगा। जैसे ये जुड़ गया तो इट इज नथिंग बट ए सर्कल, ये बीच में तो एंगल के बाहर सर्कल ही होता है। तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने जो हम लोग हुक लगा रहे हैं एन एस का, एन और एस का हुक लगा रहे हैं, जैसे डांस ये एन एस है, तो हम एन एस को पूरा लिखेंगे, एन और सर्कल से लिखेंगे बीच के अंदर। जैसे डेंसिटी, डेनेसिटी, अगर आपने डेंस ऐसे बनाया है तो ये डेंसिटी नहीं बनेगा, ये तो डेस्टी बन गया, सर्कल पढ़ा जाता है। बीच के अंदर एन और एस को आपने पूरा लिखना पड़ेगा, डेंसिटी। अभी जैसे फेंस है, फेंस है, आपने अगर ये फेंस की आवाज आ रही है, सॉरी ये आपने डेंसिटी लिखा, कैंसर लिखिया, कैंसर, कैन से रे, कैंस तो आप ऐसे लिखते, लेकिन कैंस को अगर आप ऐसे सर आर जोड़ दोगे तो ये कुछ नहीं है, ये एंगल बना है यहां, इसके बाहर ये खाली सर्कल है, एन एस नहीं है। फिर एन एस को बीच में जब हम लिख ही नहीं सकते तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम एन और सर्कल को लिखेंगे, जैसे डेंसिटी, कैंसर, क्लेंसर, फिर रेंसिड, रेनेसिड, रेंसिड, ये रेंसिड है, और रेंसेक, रेंसेक, रेने से और के, रेंसेक, एक है तो सेक है, ये रेंसेक। आपने क्या अभी तक सीखा कि एन एस एक सीधे स्ट्रोक के अंदर तो साइड में लिख लिया जाएगा, एक सिंगल स्ट्रोक में, लेकिन अगर बीच में आता है तो एन को, स्ट्रोक को और सर्कल को हम अलग लिखेंगे। जैसे डेंसिटी, ये डेंसिटी है, डेनेसिटी, क्यों डांस तो इधर बन जाता, डांस ये बन गया, लेकिन एन एस को हम बीच में नहीं ले सकते, इसलिए सर्कल को, एन एस को हमने पूरा लगा, डेंसिटी, कैंसर, ग्लेंसर, रेंसिड, रेंसेक और विंसर। अभी एक सवाल एक और आता है, हम एन और सर्कल को ऐसे जोड़ देते हैं, जैसे रेंसेक है, आपने रेन और सर्कल रखे, अगर रेन सम बन गया, ये तो एन एस है, अगर एम और एस आ जाए लास्ट के अंदर तो कैसे जोड़ेंगे, आप जोड़कर देखो, रे मैं सर्कल के, तो ये रे के आते आगे एम बन ही नहीं सकता, ये हुक एल बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेटनेस को रखने के लिए हमने एन एस को तो लिख दिया, जैसे रेंसर, लेकिन रैन सम को, एस एम को कैसे लिखेंगे, रैन सम को हम लिखेंगे, रैन एन का हुक लगा दिया और इसी के अंदर सर्कल और एम रैन सम। तो एन और एस को तो हमने ये लिख दिया, जैसे रेंसेक, विंसर, क्लेंसर, कैंसर, लेकिन सम को ऐसे नहीं लिख सकते अपस्ट्रोक में, औरों में तो लिख लेंगे, लेकिन अपस्ट्रोक में एन एस आप नहीं लिख सकते, उसमें एस एम को आपने रे और एन, वे और एन, ये और एन, ये और हे और एन, ये अपस्ट्रोक हैं, नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले अपस्ट्रोक हैं। तो इनके अंदर एम जोड़ना होगा, एस और एम जोड़ना होगा, तो आपने सर्कल को बनाकर के एम ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन इनमें एन जोड़ना होगा, जैसे रेंसर है, एन एस को हमने ऐसे लिखा, एन हुक में नहीं लिखा, क्योंकि ये रेंसर नहीं होगा, रेंसर ये नहीं होगा,
रैन सर हमने एनएस को बीच में एक नियम बना है, एनएस को हमने पूरा लिखना है, एनएस को हुक में और एन से ही लिखना है, एनएस को हमने ऐसे डांस की तरह नहीं लिखना। तो रैनसम आपने देखा सर्कल एन हुक के अंदर सर्कल और एम लिखते जाइए अप स्ट्रोक के अंदर, ये है अप स्ट्रोक की कंडीशन। सर्कल और एम को, सर्कल एम तो पूरा बीच में पूरा ही लिखा जाता है, दैट इज ओके। अभी आप इस जो आपने सीधे स्ट्रोक में बनाया डांस डांसेज डांस्ड डांस्टर बना दिया आपने, ठीक है। अभी ये करो में कैसे लगेंगे, सीधे स्ट्रोक में तो साइड थी ओपन थी हमने लिख लिया, लेकिन करो में कैसे लगेंगे। करो के अंदर ये ध्यान रखना, करो के अंदर एक छोटा ही हुक होता है, उसके अंदर छोटा ही सर्कल आएगा, ये बड़ा सर्कल और एसटी लूप नहीं आ सकते एक छोटे से करो के अंदर। तो इसका मतलब ये वेल अंडरस्टूड है कि छोटा सर्कल तो एन हुक में लिखा जाएगा करो के अंदर, बाकी सब एन को पूरा लिख के एन एन स्वा सर्कल एन एस टी लूप और एन एस टी आर आपने पूरे लिखने पड़ेंगे, लेकिन फेंस में आपने ये सर्कल ही खाली लगेगा। आपने ये छोटा सर्कल तो जोड़ दिया, लेकिन बड़ा सर्कल एस टी लूप और एस टी आर लूप को आपने एन को पूरा लिख करके लगाना पड़ा, ये हुक की कंडीशन है, ये उसके कर्व की कंडीशन है। सीधे स्ट्रोक में तो ये सारे ही लग जाते हैं बाई तरफ। तो आपने ये देखिए फाइन है, फाइंज वाइन वाइंज नाइंज नाइन नाइंज बैलून्स और लॉन्ज। एक ध्यान रखना के एस जो है वो जेड की साउंड देता है एफ में वी में, जैसे हुक में लगेगा तो एस जेड की साइन देगा, अगर एन एस की साइन एन एस की आवाज आती है तो आपने ये अलग लिखना पड़ेगा। जैसे आपने हुक्म लगा दिया तो ये फाइन्स नहीं बना है, ये फाइन्स बना है, फाई एफ आई एन ई एस फाइन्स नहीं है, फाइन्स ये सर ये एस जेड की साउंड दे। अगर करो के अंदर हुक के अंदर लगा करके सर्कल लगाओगे तो एस उसको जय पढ़ना है, सह नहीं पढ़ सकते, सह के लिए आपको फिर एन और एस पूरा लिखा है। ये लाइन ये लेंस है लेंस, ये आपका फाइन्स है फाइन है फाइन्स है, लेकिन ये लेंस है ये और ये फैंस है, ये फैंस फैंस तो आप ऐसे लिख दिया, ये क्या है फै एन और सर्कल, ये हुक के अंदर सर्कल लगा दिया, ये फैंस पढ़ा जाएगा सर्कल, लेकिन अगर आपने फैंस से पढ़ना है तो आपको ये हुक कैंसिल करना पड़ेगा और एन पूरा लेकर के ये फैंस एन एस पढ़ा जाएगा। एन जेड को आप हुक में लगाइए, एन जय की आवाज हो तो हुक के एन हुक के अंदर लगाइए, अगर सह की आवाज है तो एन को स्ट्रोक लिख करके लगाइए, जैसे फाइन्स लेंस सह की आवाज है, वाइन्स फैंस, अगर फैंस होता तो हम फै के हुक लगा करके एफ के अंदर और सर्कल लगा देते फैंस जय की आवाज है, लेकिन सह की आता हमने पूरा लिख। नाइन्स मिन्स, अगर आपने मिन्स को ऐसे लिख दिया, मिन को आपने सर्कल में लिख दिया तो ये मिन्स बोला जाएगा, मिन्स नहीं बोला जाएगा, ये ध्यान रखना कि कर्व के अंदर अगर आपने हुक लगा करके सर्कल लगाया है तो जय की आवाज बोलनी पड़ेगी, इसका एक नियम है, ये एक इंग्लिश का दस्तूर है कि हम कहीं जगह सह बोलते हैं एस को, कहीं जय बोलते हैं, तो ये शॉर्ट हैंड बता देती है आपको कि कहां आपने सह बोलना कहीं आपने जय बोलना है। अगर हुक के अंदर ये कर्व है, कर्व के अंदर हुक लगाया और सर्कल लगा दिया तो जय बोलना है सब में, बैलून्स लॉन्स, लेकिन लॉन्स अगर किसी ने बोल दिया, देखिए मैं पहले भी बताया हूं कि हम एक साउंड रिकॉर्डर हैं, स्पेलिंग राइटर नहीं है लिखते समय, जब हम उसको ट्रांसक्राइब करते हैं कंप्यूटर पर तो हमको स्पेलिंग की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्ड करते समय तो हमें यही नहीं ध्यान होता
किस किस स्पेलिंग क्या है, हमें ये ध्यान होता है कि बोल क्या रहा है, आवाज क्या आ रही है। अगर फैंस की आवाज आ रहा है जय बोल रहा अगला, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, चाहे उसने फैंस को फैंस बोल दिया, हम ऐसे ही लिखेंगे फैंस। अगर फैंस और उसने फैंस के बजाय फैंस बोल दिया है, तो हम एन को बाहर निकाल करके सेंसर सर्कल लगाएंगे, तो हम एन को बाहर निकाल लेंगे नए और सह के लिए, और जय बोल दिया तो हम उसको हुक में लगा देंगे। बोलने वाले क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट चैलेंज हिम, आपको जैसा वो बोल रहा है उसी आवाज को रिकॉर्ड करना है स्टेनोग्राफर ने, चाहे वो गलत बोल रहा है, हालांकि वो फेंस है, फेंस मैंने जो हेज लगाते हैं कांटेदार तार लगाते हैं उसको फेंसिंग बोलते हैं, वो फेंस बोल दिया, लेकिन ऊपर सीलिंग में लगने वाला हवा देने वाला फेंस है, उसको फेंस 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 बोलना चाहिए, और फेंस बोल दिया है तो आपने एन और सर्कल से फेंस लिखना। अगर वो गलत बोल देता है, किसी को फेंस को फेंस बोल देता है, तो आपको जय के लिए सर्कल में लगाना है, ये ध्यान रखना। यूं कहिए कि जय की आवाज आती है तो हुक में लगाएंगे कर्म के अंदर, और सह की आती है तो फेंस में एन को बाहर निकाल करके सर्कल लगाएंगे। फाइन ये है लेंस लेन ये है, और फैंस ये है, और मींस ये है। अगर वो मींस बोल देता है तो हम आपको कहेंगे कि आप एन हुक लगाकर सर्कल लगाइए, उसने जय बोला है, तो मींस तो ये है और मींस ये है, तो हम सह की के लिए क्या करेंगे, एन और एस को पूरा लिखेंगे। अब अगर ये आपने तो सर्कल को लगाया, कारों में लगाना सीखा है, वो जय के लिए सह के लिए, तो फिर भी नए को बाहर निकाला, लेकिन ये बड़े सर्कल के लिए ये फैंस है, ये फैंसीज है, और ये फैंस है, ये फैंस है, ये मिंस है, मिंस ये मिंसीज है, और ये मिंस्ड है, और ये मिंसिंग है। तो आपने ये देखा कि बड़ा सर्कल जो है वो भी हमने बड़ा सर्कल को एन 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 स्ट्रोक लिख करके लगाया है, एसटी लूप को एन स्ट्रोक में बनाया, क्योंकि कर्म के अंदर जब हुक लगाते हैं तो उसका अंदर खाली पॉसिबिलिटी एक छोटे सर्कल लगाने की होती है, बड़ा सर्कल और एसटी लूप के लिए हमको ये हुक कैंसिल करके एन में लिखना पड़ता है। ठीक है, मेरा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। मैं आपको पुनः कहता हूं कि नौजवानों, अगर आपको शक है, बात समझ में नहीं आई, आई एम रेडी टू रिवाइज दी चैप्टर, आपको समझाना मेरा मकसद है, आप कमेंट में डालिए हमें क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको उस चीज को तुरंत उसके दूसरे दिन ही या उसी दिन ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच।